नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। ये मसूरी के अंदर हमारी लास्ट नाइट थी और आप देखिए रात के कितनी चकाचौंध होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। और हमारा खाना आ चुका है, बहुत ही अच्छा खाना था और साथ में चल रहा है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। और हमारा टीवी जो कि जवाब दे चुका था क्योंकि इसके अंदर नो सिग्नल आ रहा था, और खूब इंजॉय किया और इंडिया को वर्ल्ड कप की बहुत बहुत बधाई। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये हमारा सुबह का नाश्ता, ये प्रतीक की मैगी और ये मेरी ओनली चाय। और देखिए मौसम कितना शानदार हो रहा है। सूरज देवता कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो धुंध है या क्या कहें इसको, अलग सा एक माहौल है। और धीरे धीरे, पहले ये कम हो गया था, अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। काफी सुंदर दिखाई दे रहा है और ये ऐसे लग रहा है जैसे धुंध भी नहीं, धुंध एक अलग चीज होती है, ये बादल जैसे कुछ लग रहे हैं। तो देख ले प्रतीक, बादल बिल्कुल पास में है। और मैंने जहां तक देखा ना, यहाँ पे ज्यादातर आम वगैरह के काफी बहुत ज्यादा पेड़ हैं, तभी तो यहाँ पे जो आम की खेती इतनी होती है। ऐसे मान लीजिए राजस्थान में जितने आम नहीं हो गए, उतने आम या तो मसूरी में या देहरादून में कह सकते हैं, हरिद्वार में, इतने मतलब भयंकर तरीके के, बिल्कुल 25 से 30 रुपए किलो बढ़िया आम मिल रहे हैं। और वहां पे सामने बताया जाता है कि वो कौन सा था, लाल टिब्बा है। और अगर मौसम साफ होता है तो हम जो इस तरफ एक वो क्या दूरबीन लगी हुई है, बाइनोक्यूलर है, उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, कैमल्स बैक, कैमल्स ऊंट के जैसे मैंने पहले आकृति बताई थी, तो वो देखने दोबारा हम जाएंगे क्योंकि उस समय मौसम खराब था। और ऊपर पहाड़ों की तरफ गन हिल्स है, वहां जाने का विचार है। और गन हिल्स के बारे में बताऊंगा क्या है गन हिल्स, क्या होता है। और दोबारा से देखिए आप कितना शानदार दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गन हिल पॉइंट पे, और उसके बारे में काफी सुना है, वहां पे शायद एक तोप है या किस वजह से उसका नाम गन हिल पॉइंट रखा गया है। तो हमने जो एक रास्ता चुना, माना कि लग रहा था शॉर्टकट है। और आपको एक चीज दिखाता हूं मैं कि काफी सालों पहले जैसे मसूरी का और देहरादून का जब रास्ता नहीं बना था, तो जैसे ये एक बग्गी है जो कि लोगों द्वारा, आदमियों द्वारा उठाई जाती थी। और बताया जाता है देहरादून और मसूरी का जो बीच का रास्ता था, लगभग पैदल चलने का 11 किलोमीटर का रास्ता था। तो इस बग्गी के ऊपर अंग्रेजों को या कई अमीर लोगों को यहाँ लाया जाता था, क्योंकि पहले बताया जाता है कि जो नॉर्मल जो गरीब लोग थे यहाँ अलाउ भी नहीं थे, तो इस बग्गी के अंदर ही लाया जाता था। बाद में धीरे धीरे जो सड़क का रास्ता बना और धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। अब हमारा ये रास्ता हमें ले जाता है गन हिल पॉइंट की तरफ। तो रोप वे का हमने पता किया था, 220 रुपए की एक बंदे की टिकट थी। और फिर हमें लगा यार 220 रुपए तो चलो एक बात है, लेकिन जो ट्रैकिंग करते हुए जाने का एक अलग ही मजा होगा। तो हमने ट्रैकिंग का रास्ता चुना, लेकिन ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गई। और तेरी ये चढ़ाई तो हो रही ज्यादा। भाई साहब भयंकर चढ़ाई है। भाई साहब चलते चलते हालत खराब होगी। ये देखिए मतलब मसूरी 6600 फीट एलिवेशन पे है और हम नाना करते 7000 प्लस जो फीट एलिवेशन पे हैं। और आप देखिए ये तो मसूरी काफ़ी, मतलब कह नहीं सकता, ये मसूरी जो है इससे भी नीचे होगा। ये तो अलग अलग है, जैसे पार्किंग वगैरह की जगह बनी हुई है। तो ये जो रोड है ऐसे 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 कैसे आए हैं ऊपर, पूछो मत, हालत ख़राब होगी। अभी तो ऊपर की तरफ और चढ़ना है, तो रुक रुक के, क्योंकि कभी कितना कभी चढ़े नहीं, आदत नहीं है भाई साहब। देखो हाँ, हमें कहा था रोप वे ले लो, हमने सोचा एक बार मजा तो पैदल चलने में आएगा, पता नहीं था इतना किलोमीटर है।
डरो मत, डरो बिल्कुल मत, निश्चिंत होकर मारो। अरे मियाँ तो पीछे, आप डरो मत बेटा। अरे हद हो गया आपको, मैं कह तो रहा हूँ संजू मिला नहीं। और बोलो कुछ, चला चला दे, चला दे आराम से, देख के चला। हद है यार, ऐसे क्या कर रहा है? ना डरो मत बच्चे, डर क्यों रहे हो? डरने की कोई बात ही नहीं उसमें, एयर गन है वो, तो कोई ओरिजिनल गन थोड़ी है। और मेरे को कह रहा था वहां गन दिला दो मेरे को। हिमालय की रेंज वगैरह है, गंगोत्री, ग्लेशियर, यमुनोत्री, बीग, ये सब दिखता है ना। और ये स्नो कैप्ड माउंटेन दिखते हैं ना, क्लाउड्स की वजह से नहीं दिख रहा है। हमें लाल टिब्बा पॉइंट दिखता है, मसूरी का सबसे टॉप पॉइंट है। तो ये फायरिंग इस वजह से होती थी मेरे ख्याल में, मैंने कहीं पढ़ा है कि ना यहाँ से वो तोप चलाई जाती थी दोपहर को, जिससे क्या होते थे कि आसपास के जो लोग है ना घड़ी में अपना टाइम मिला लेते थे, टाइमिंग सेट करने के लिए। ऐसे कुछ सुना था मैंने, ये पूरा वाटर टैंक इसके नीचे, जो आप मार्केट देख रहे हैं ना सर, हाँ जो आप मार्केट सामने देख रहे हैं, इसके नीचे पूरा वाटर रिजर्व है। अच्छा, पूरी मसूरी को पानी सप्लाई होती है। अच्छा, इसके नीचे पानी पंप होता है यहाँ पे ना, नदी पूरा मसूरी को सप्लाई होता है। ठीक है ठीक है। और वैसे आपकी कहाँ है वो दूरबीन, कहाँ है? दूरबीन नहीं है सर, यहाँ बिना दूरबीन के ही दिखता है। अच्छा, बिना दूरबीन के वैसे कैमरे ऐसे करने से दिख जाता है? वैसे भी वैसे आपको अपने आंखों से देखा जा रहा है। अच्छा, दूरबीन तो ऊपर पे लगी है, पर दूरबीन अभी बंद हो रखी होगी क्योंकि अभी स्नो की, हाँ ये वो दूरबीन कैसे दिखता है, हमने फोटो खींच रखी है, सामने की खींच रखी है, कहीं और की नहीं है, सामने का व्यू है पूरा जो आप देख रहे हो ना, जबरदस्त है। नीचे भी बैठने का, नीचे भी जाते हैं। भाई साहब क्या व्यू पॉइंट है, शानदार। बस ये देखो नीचे और सामने धुंध। आज कुछ चीजें थी जो हमें देखनी थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। तो इसमें बताया गया 1919 के अंदर जो मसूरी के अंदर लोगों द्वारा बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय के अंदर यहाँ से, मतलब ये टॉप चोटी है यहाँ पे मसूरी की, तो यहाँ से गन फायर किया जाता था बैरल के अंदर, जैसे टॉप होती है, और वो फायर किया जाता था कि कैमल्स बैक, यहाँ पे इस तरफ एक हिल है तो कैमल बैक के ऊपर फायर किया जाता था, और जिससे लोगों को टाइम पता लग जाता था। मान लीजिए घड़ी का अपना टाइम मिला लेते थे, या दोपहर का पता लग जाता था कि हाँ दोपहर हो गई है, क्योंकि ये भी अपने कह सकते हैं ऐसे मौसम के अंदर हमें पता नहीं लगता दोपहर हुई है या शाम का वक्त है या क्या है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अंग्रेजों के पास घड़ी वगैरह होती थी। और ये क्या, अकॉर्डिंग टू द इंसेप्शन ऑफ द बैरल द कैनन हैड बीन कास्ट बाय, अच्छा ये एच एच मैक्सवेल द्वारा चलाई जाती थी, और ये 1865 के अंदर कौशिपुर कोई फैक्ट्री में बनी थी। और बट द गन वाज कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ वरी, तो ये गन थी ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वक्त के साथ जैसे ये गन पड़ी थी तो लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, क्योंकि इससे क्या हो सकता था कि नुकसान हो सकता था, जैसे गन फायर होता था तो इससे मतलब है ना कहीं भी आग लग सकती थी, कॉटन के अंदर आग लग सकती थी गन पाउडर वगैरह की वजह से। उसके बाद में वहां से जो बैरल हटा दिया गया, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इस जो बैरल था, जो ये कैनन था, उसको डिसमेटल करके पिघला दिया गया था। और दोस्तों ये व्यू है गन हिल पॉइंट का, आप देखिए
और उम्मीद है ये आपको मजा आ रहा होगा। यहाँ पे एक प्रसिद्ध शनिदेव जी का मंदिर है जो कि काफी चमत्कारी है, और मैं आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो एरिया है ये एक बहुत ही बड़ा वाटर टैंक है जो कि अंग्रेजों के समय का है, और ये मान लीजिए कि पूरा जो मसूरी है उसके अंदर वाटर सप्लाई यहीं से होती है। उसके बाद में हमने मूड बनाया कि हम आए तो पैदल थे ट्रैकिंग करते हुए, लेकिन जाते हुए मैंने कहा कि पता नहीं दिक्कत ना हो, थक जाएंगे, इसलिए हमने चलो रोपवे का एक अलग ही मजा होता है। तो हमारे पर कैंडिडेट 100 रुपए रोपवे की टिकट लगी, और आप देख सकते हैं वो हिमालय का जो टेलीस्कोप पॉइंट है। दोस्तों ये हमारा मसूरी का अंतिम दिन था, अब वक्त आ गया है जाने का। तो फिर किसी व्लॉग में मिलेंगे, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।